नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। अकलतरा तहसील के ग्राम तागा शासकीय प्राथमिक स्कूल में अंगनामा शिक्षा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को अंगनामा शिक्षा के महत्व को बतलाया गया। इस मौके पर डाइट जांजगीर से अंगनामा शिक्षा के प्रभारी सुरेश कुमार साहू ने गांव की माताओं को अपने ही घर आंगन में रसोई सामग्री के माध्यम से शिक्षा देने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं ने पढ़ाई मेले के साथ ही बढ़ाने की विभिन्न तरीकों को जाना और परखा और समझा। आठवीं साला तागा में आज 25 अप्रैल को अंगनामा शिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें माताओं को बुलाकर बच्चों के स्तर को आगे हम कैसे लाएंगे उसके बारे में बताया गया है कि अपने घरेलू सामान को, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, भिंडी है, कुछ भी नहीं मिले तो घर के बर्तन के माध्यम से भी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और घर में ही उनको पढ़ा कर चूठे स्तर को आगे ला सकते हैं। प्राथमिक शाला तागा में अंगनामा शिक्षा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुई, जब सुरेश साहू जी बीटीआई जांजगीर से आर से और यहाँ के जो अभिभावका है, पालक है, माता मन खासकर उमन के भी कार्यक्रम में से तो बहुत संख्या में पहुँचे थे और जागरूक महिला एमन और एक कार्यक्रम के द्वारा महिला मन जागरूक होकर पर लड़का मन पढ़ाई ये आशा के साथ आज अंगनामा शिक्षा के तहत पढ़ाई मेला के लिए प्राथमिक शाला तागा में मैं आया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ के शिक्षक और यहाँ की माताएं बहुत ही एक्टिव हैं। मैं चाहूँगी कि सारे छत्तीसगढ़ में इस तरह